टीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिकल हैक्स। मैं सैफ सहल मुश्ताक। आज बहुत अरसे बाद आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं, बहुत फ्रूटफुल होगी, हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा। थोड़ा एक शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे आज हम, और जो बुक यूटिलाइज़ की गई है वो है हमारे पास BD84। चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा कौन सी चीज़ आपने कहाँ से करनी है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। पहला चैप्टर जो BD में है वो चैप्टर 12 है, क्योंकि उसने सीक्वेंस से अपर लिम्ब के साथ इस वॉल्यूम को जोड़ा हुआ है। वैसे चैप्टर नंबर 1 बनता है। तो ये नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ रिब्स, वर्टिब्रा इन थोरेसिक वॉल है, सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, इन्फीरियर थोरेसिक अपर्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर पार्ट। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर कौन से कंटेंट वहाँ से गुजर रहा है, क्या चीज़ है, उसकी शेप कैसी है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, उसकी बाउंड्रीज कैसे बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने रगड़ लेना है। एंड स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इट, और ये इसी का हिस्सा है, मतलब कि आपको पता हो कि उसमें से क्या क्या कुछ गुजरता है। डेफिनेटली सी बात है, जो हमारे पास अपर सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर होता है वो मतलब कि हमारे पास थोड़ा नैरो होता है, लेकिन जो हमारे पास इन्फीरियर थोरेसिक अपर्चर है जहाँ से हमारे पास डायफ्राम नीचे आ जाता है वो थोड़ा वाइडर होता है। बहरहाल ये अभी लेक्चर तो खैर नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो नहीं। इसके बाद डायफ्रेगमेटिक ओपनिंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वाइवे में भी पूछ ली जाती हैं। हिकअप्स एंड थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम, ये क्लिनिकल है, BD में भी है और KLM में भी होगा, ये भी लाजमी करेगा। स्टर्नल एंगल स्ट्रक्चर्स एट दिस लेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा। ये क्वेश्चन अगर आपके UQ में ना आए ना तो आपके वाइवे में तो मस्ट को पूछा जाता है कि स्टर्नल एंगल क्या है और इस लेवल पे कौन से स्ट्रक्चर एंड होते हैं, कौन से स्टार्ट होते हैं। वो कोई 9-10 पॉइंट्स बने हुए, पहले पेज पर ही बने हुए, इनको अपने रट लेना अच्छी तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवे के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, जो कि हमारे पास बोन्स से रिलेटेड है, टिपिकल एंड एटिपिकल रिब्स स्ट्रक्चर एंड हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज रिब्स, मतलब कि टिपिकल रिब कैसी होती है, एटिपिकल रिब्स कैसी होती हैं, और फिर इनमें क्या डिफरेंस है कि हमें पता चलता है ये एटिपिकल है, ये टिपिकल है, टिपिकल एंड टिपिकल वर्टिब्रा दोनों रिलेटेड हैं। ये बेसिकली वाइवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों पॉइंट। नो नीड टू डू अटैचमेंट ऑन रिब्स एंड फीचर डीपली, रिब्स में जो है ना अटैचमेंट बहुत डीप दी गई होती है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है। जॉइंट स्टेबल फ्रॉम KLM, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट वर्टिब्रा या रिब्स के दरमियान कैसे जॉइंट बन रहा है, वर्टिब्रा और रिब्स के कैसे जॉइंट बनते हैं इस तरह। स्टर्नल पंक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, सीक्यू है, स्टर्नल पंक्चर हम क्यों करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं, ये आपने KLM से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, इसमें हम लोग ना असल में जब रेस्पिरेशन होती है ना तो हमें थोरेक्स का जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो इंक्रीज करना होता है ताकि अंदर हवा रिटेन हो सके, लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो, तो इसके लिए हमें उसका ट्रांसफेक्शन और एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों उसके जो हमारे पास डायमीटर वो बढ़ाने होते हैं। उस प्रोसेस को जो प्रोसेस है इसको हम लोग रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कहते हैं। तो आपको पता हो कि दोनों डायमीटर कैसे बढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह होता है, ये बहुत डीपली आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर 14 की बात कर लें तो ये वॉल ऑफ थोरेक्स मसल फ्रॉम KLM है। ये मसल्स जो है अपने सारे KLM से ही करने होते हैं, वो बॉक्स बने होते हैं, उससे ईजिली हो जाते हैं। आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, इंटरकोस्टल वेसल, एजाइगस वेन, कोर्सेज का कंप्लीट। अभी जो आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई और नर्व सप्लाई है ना, थोरेक्स में सबसे मेन पार्ट यही होता है, यूक्यूज में जो इम्पोर्ट मोस्टली पूछा जाता है, चाहे वो पेरिकार्डियम का हो या थोरेसिक वाल का हो, लंग्स का हो, प्लूरा का हो, हार्ट का हो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि उसकी आर्टीरियल सप्लाई मतलब ब्लड सप्लाई क्या होती है, नर्व सप्लाई इनर्वेशन क्या है, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है। इंटरकोस्टल वेसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें एक पॉइंट होता है कि आपके पास कितनी इंटरकोस्टल वेसल हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिब्स के दरमियान वाली स्पेस को इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, तो उसमें ही वेसल्स रिजाइड करती हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं तो हमारे पास फिर वेसल्स कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी, एक कम हो जाएगी। इसके बाद एजाइगस वेन होगी, हेमियोजाइगस वेन होगी, एसेसरी हेमियोजाइगस वेन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कोर्स, इनकी फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, इसमें से कुछ मिस नहीं करना आपने, ये जहाँ जो लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 15 की बात कर लें तो प्लूरा है, प्लूरा के 3-4 पेजेस का चैप्टर है, इसके क्लिनिकल हो, इसमें क्लिनिकल भी आ जाते हैं, इसमें फिर इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, इसकी लेयर्स हैं, विजरल प्लूरा और पैरिटल प्लूरा, इनका डिफरेंस दिया हुआ एक टेबल, ये आपको हर चीज़ फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, UQs तो आता ही आता है, उसके अलावा ये वाइवे MCQs हर लिहाज से इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, मैंने स्पेशल लिखा है इसके लिए कंप्लीट चैप्टर्स विथ क्लिनिकल फ्रॉम KLM एंड BD। क्लिनिकल इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमोथोरेक्स वगैरह जो होते हैं, पैरासिंथेसिस क्या, वो सारे इसी में आ जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लें चैप्टर नंबर 16 की, ये लंग से रिलेटेड है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स है। अगर वो क्वेश्चन आपको रिटन फॉर्म में नहीं आता तो वाइवे वाला आपसे हमेशा पूछेगा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स क्या होते हैं और इनके अरेंजमेंट्स क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। UQ भी है और वाइवा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रूट ऑफ लंग और इट्स रिलेशन, ये आपका लाजमी आता होता है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक्स, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि थोरेक्स में जितनी भी ब्लड सप्लाई है या नर्व सप्लाई है, लिम्फेटिक्स वगैरह, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ की, क्योंकि मेन चीज़ें हैं ही यही,
और यही कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, इसलिए बार बार पूछी जाती हैं। और ब्रोंकियल ट्री को बस एक दफ़ा रीड कर लेगा या दो दफ़ा रीड करके इसको बस खत्म कर लेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इवन आपको बनाने भी आने चाहिए कि कौन सा कहाँ पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 17 मीडियास्टिनम कंप्लीट चैप्टर है, इंटीरियर मिडल पोस्टीरियर जितने भी मीडियास्टिनम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के ऊपर मैंने तो बुक में बकायदा की जो चैप्टर का नेम था ना उसके साथ ही लिख लिया था कि वाइवे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से वाइवे में कुछ भी पूछ सकता है, चाहे उसके कंटेंट पूछे, उसके रिलेशन पूछे, उसके बाउंड्रीज पूछे, ये आपको आनी चाहिए। और एमसीक्यू उसके अलावा ये वाइवे वगैरह एमसीक्यू सब में आता है, ये आपको चैप्टर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये मीडियास्टिनम वाला चैप्टर भी, ये प्लूरा वाला भी और ये लंग्स वाला, ये तीनों चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कम्प्लीटली। इसमें कोई चीज़ आप ये नहीं कर सकते कि मैं छोड़ दूँ। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, जो कि थोरैक्स का सबसे लेंथी चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। अगर हम स्टार्ट से बात करें तो इसमें पेरिकार्डियल लेयर्स एंड देयर डिफरेंस आ जाता है, इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये पूछा जाता है कि इसकी विजरल लेयर और पैरेटल लेयर में क्या डिफरेंस है। अगर आप जो देखें तो हमने पहले प्लूरा की भी विजरल और पैरेटल लेयर की बात की, तो ये एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें, बस फर्क ये है कि ये जो ये लंग्स के ऊपर होते हैं ये हार्ट के ऊपर होती है। पेरिकार्डियल साइनसिस कंप्लीट, ये रीड कर लें, एमसीक्यूज में भी आता होता है ये। पेरिकार्डियल ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक्स, वही बात आ गई जो मैंने आपसे पहले की है कि ये अब ये जो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक्स है ना, ये पेरिकार्डियम की है। पेरिकार्डियम मीन कवरिंग ऑफ द हार्ट, जो हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है उसके लिए है ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है लाजमी, यूक्यू भी आ जाते हैं कुछ, किसी फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, ये आपने लाजमी करना है। कार्डिक टेम्पोनेट, ये जो 2019 का सप्ली वाला पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था कार्डिक टेम्पोनेट, तो ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए, एक बॉक्स दिया हुआ। अगर आप बीडी से कर लेंगे तो मोर देन इनफ है, क्लिनिकल केएलएम से करना चाहें तो आपकी मर्जी है। क्रोनरी आर्टरीज, इसमें लेफ्ट और राइट क्रोनरी आर्टरी आ जाता है। कार्डिक डोमिनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूक्यू भी है, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कार्डिक डोमिनेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में नहीं आया तो आपसे एग्जामिनर ने वाइवा में पूछना है लाजमी कि कार्डिक डोमिनेंस क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक कौन सी आर्टरी होती है, अगर वो लेफ्ट साइड की है या राइट साइड की, जिस साइड की भी होगी वो पोस्टीरियर सल्कस में जो भी ब्रांच दे रही होगी वही कार्डिक डोमिनेंट हार्ट होगा। अगर राइट साइड की दी तो राइट कार्डिक डोमिनेंट होगा, लेफ्ट साइड की दी तो लेफ्ट कार्डिक डोमिनेंट होगा। क्रोनरी साइनस बेसिकली ये हमारे पास एक प्लेक्सिस बन जाता है, या वो कह लें कि वो ग्रुप सा बन जाता है वेंस का हार्ट की डिफरेंट, क्योंकि हार्ट एक छोटा स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें माइन्यूट हमारे पास पोर्शंस होते हैं जिनको हमने ड्रेन करना होता है, तो इसलिए उसको हम लोग इसकी ट्रिब्यूटरीज में फिर ग्रेट वेन आती है, मिडिल वेन आती है, डिफरेंट सी हैं, तो वो क्रोनरी साइनस में आकर ड्रेन करती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह कीजिएगा इसको भी। सुपरफिशियल एंड डीप कार्डिक प्लेक्सिस ये बस पढ़ लीजिएगा, और इसमें एक एनास्मोस वो सर्कल वाला बना हुआ वो भी आप रीड कर लीजिएगा। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 19 और 20 है ना, ये बेसिक सी बातें हैं, इसमें इस चैप्टर का बीडी से अच्छी तरह पढ़ लिएगा, उसके बाद इसको एसेंस से रट्टा लगा लेगा, एसेंस से याद कर लेगा, उसमें इजी लिखा हुआ है और जल्दी याद होता है। और इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो है कंस्ट्रिक्शन एंड कर्वेचर्स ऑफ एसोफेगस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके यूक्यू में नहीं आता ना, मतलब कि उधर यूएचएस के एग्जाम में नहीं आता, तो ये आपके स्टैंडअप्स वगैरह में या स्टेज में लाजमी ये क्वेश्चन आता होता है, ठीक है, वाइवे में भी पूछ लेते हैं। इन चैप्टर्स को आपने ना मतलब कि इस तरह करना है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह आता हो, बाकी ब्लड सप्लाई वगैरह आती हो, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने में। और हार्ट के अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, चैप्टर 18 में मैंने एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी कि हार्ट के जो डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं उनकी डिटेल वगैरह मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो मैंने जान के नहीं लिखी क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, यूक्यू में बहुत कम आती है, एमसीक्यूज एक आधा उसमें से आ जाता है, तो उसका बेस्ट वे कि उसको एक दफ़ा आप रीड कर लेगा, जो मेन बातें उनको हाईलाइट कर लेगा, ताकि प्रॉफ में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा पूरा चैप्टर करने बैठ जाएँ, तो आप उससे बेहतर किसी और चीज़ को टाइम दे दिएगा, तो उसके जो आपने लिखे होंगे ना हाईलाइट किए होंगे उनको पढ़ लेगा, आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, वो बहुत कम आपके पास यूक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट हमेशा मैं लिखता होता हूँ कि क्लिनिकल जो है कि जो केएलएम से करना कर ले, बीडी से करना चाहे उसकी मर्जी है, लेकिन मैं कहता हूँ केएलएम और बीडी थोरेक्स के मामले में दोनों यूज़ करें, क्योंकि थोरेक्स से मोस्टली हमारे पास क्लिनिकली यूक्यूज़ दिए जाते हैं और बोन्स हमेशा वाइवा में सुनी जाती हैं। वैसे थोरेक्स का जो वाइवा है ना उसमें ये होता है कि आपके सामने ना पूरा मॉडल ला के रख देते हैं, बॉडी का जो होता है ना स्टैंड पे लगा होता है वो पूरा ला के रख देते हैं, और फिर कहते हैं इसमें स्टर्नल एंगल लोकेट करें, या वो जो डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास मैन्यूबियम स्टर्नाई कहाँ पे होता है, कौन सी वर्टीब्रा वो है, टिपिकल है, टिपिकल है, वो अगर आपको फीचर्स याद होंगे आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि इसका वाइवा हमारे पास स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, ये नहीं होता कि हमारे पास रिब्स का नहीं पता चलेगा, नहीं किया जाएगा, नहीं, क्वेश्चन इसका होता है, वो पूरा मॉडल ले आते हैं वहीं पे आपसे पूछ लेते हैं, हो सकता है अलग अलग रिब्स ना हो, होती हैं अवेलेबल, लेकिन वो पूरे मॉडल पे भी आपसे लोकेट करवा लेते होते हैं। नेक्स्ट, हमेशा हम आपसे शुरू से ही एक रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि अगर आपको MBBS से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो तो ये PMU व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको हर इंपॉर्टेंट बुक भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छा ग्रुप है और बहुत एक्टिव है, इसके मेंबर बहुत एक्टिव है। थैंक यू, आजकल के लिए इतना ही, द एंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।